अपराजिता जी, क्या ममता बनर्जी आपके ट्रैप में फंस गई? मेरा नमस्कार, मैंने आप सबको सुना, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि बंगाल के राजनीतिक रंगमंच पर अगर सबसे ज्यादा रंग बदलने वाला कोई किरदार है तो वह ममता दीदी का किरदार है। चुनाव जीतने और वोट पाने के लिए जितने भी हथकंडे अपनाए जाने चाहिए वो कोशिश कर रही है सारे हथकंडों को अपनाने की। पहले आपने, आपको याद होगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कलकत्ता गए थे जो सबसे बड़े संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं सभा में, पिछले लोकसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर अपनी जाति का ढिंढोरा पीटते हैं, अगर आज ममता बनर्जी ने अपना गोत याद दिला दिया तो इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सर आप जाति और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है, जाती है ममता बनर्जी के गोत्र को याद दिलाने को आप अच्छा कदम बता रहे हैं। मुझे मुझे आश्चर्य लग रहा है सचिन प्रकाश जी, बीजेपी के विरोध के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? अपराजिता जी अपनी बात करिए, कह रहे दीजिए। अपराजिता जी आपका वीडियो चला गया था, आप कंफ्यूज करिए अपनी बात। देश के प्रधानमंत्री ने सांडिल्य ब्राह्मण कुलीन ब्राह्मण होते हैं, उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर से ये आते हैं। ममता बनर्जी कर रही है, ममता बनर्जी जी कुलीन ब्राह्मण है, सांडिल्य गोत्र वाली है और इन्हें 10 साल लगे इस बात को कहने में, आखिरकार कह दिया। और अब मैं आपको बता दूं कि इन्हें कुछ भी हक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या फिर अन्य लोगों को ये कहने का कि सब बाहरी हैं और ये घर की हैं। ये कहना तो वो छोड़ दे। और देखिए अभी हिंदुत्व कार्ड खेल रही हैं, हर जगह जाकर कभी सरस्वती पाठ कर रही हैं, कभी चंडी पाठ कर रही हैं, हर एक मंदिर में जाकर मत्थे टेक रही हैं, तो करेंगी क्या? जानती हैं सामने क्या लिखा हुआ है? सामने उनकी हार लिखी हुई है और देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। जानती है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपना होमवर्क करके, अथक परिश्रम करके और योजनाबद्ध तरीके से लोगों के बीच में जा रही है, हमारे नेतागण लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं और जिस तरह का रेस्पॉन्स, जिस तरह की प्रतिक्रिया हमें मिल रही है और जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज है, मुझे लगता है ममता बनर्जी जी जानती है आगे क्या होने वाला है।